हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं उस देश की सैर पर जहां हुई थी दुनिया में सबसे ज्यादा बमबारी। ये देश गोल्डन ट्रायंगल में होने की वजह से काफी बदनाम भी है। एक ऐसा देश जिसका है हमारे भारत में बहुत ही गहरा नाता। एक ऐसा देश जहां एक भी समंदर नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है हजारों आइलैंड से। चीन ने प्यार से कई देशों को अपने कर्ज में फंसाया और ये देश भी उनमें से एक है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश लाओस के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लाओस की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि लाओस का ऑफिशियल नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसके उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, जबकि पूर्व में कंबोडिया है। वहीं दक्षिण में इसकी सीमा वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 2,36,800 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आप जनसंख्या की बात करें तो लाओस में 75,55,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। देश की राजधानी शहर है वियतनाम। बात हो धर्म की तो लाओस के ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। यहाँ के लोगों में भगवान बुद्ध के लिए अपार श्रद्धा है। आपको यहाँ पर हर जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा गाँव नहीं इस देश में जहाँ पर के भगवान बुद्ध की प्रतिमा ना हो। इसके अलावा यहाँ ताइफोक, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के भी लोग हैं। लाओस के रहने वालों को लाओ कहा जाता है। साथ ही यहाँ की भाषा को भी लाओ कहा जाता है। लाओस और थाईलैंड एक जैसी भाषा ही बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस लाओ शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको बता दें कि लाओ का मतलब होता है विशाल या भव्य। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लाओ जाति के लोग खुद को भारत के रहने वाले मानते हैं। जी हाँ, दरअसल सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने के बाद दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग असम मणिपुर के बीच से गुजर के हिंद चीन चले गए। इसलिए लाओस के निवासी आज भी खुद को उन्हीं लोगों के वंशज मानते हैं। थाईलैंड और लाओस में भारतीय संस्कृति की अमल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। लाओस की संस्कृति को भले ही बहुत पुराना माना जाता है, लेकिन दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर लाओस का अस्तित्व मध्यकाल में आया। लाओस की स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में हुई। साल 1997 में ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य बना। इसके बाद साल 2013 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन गया। इन संगठनों से जुड़ने का लाओस को फायदा हुआ और वहाँ के विकास के रास्ते खुले। इस देश के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि लाओस पर 1893 से 1953 तक फ्रांस का शासन था और 22 अक्टूबर 1953 को इसे आजादी मिली। लेकिन इसके बाद जो हुआ आज भी वो यादगार है। हमने पहले भी बताया है कि लाओस को दुनिया में मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री का खिताब मिला हुआ है। इसका कारण है कि लाओस में इतिहास में सबसे ज्यादा बमबारी हुई। वियतनाम वॉर के दौरान यहाँ 1964 से 1973 के बीच करीब 20 लाख टन बम गिराए गए थे। इसके लिए 5,80,000 बमबारी मिशन पूरे किए गए। अगर औसत की बात करें तो 9 साल तक हर 8वें मिनट पर यहाँ बम गिराया गया। दो विश्व युद्ध के दौरान भी यूरोप में जितनी बमबारी नहीं हुई उससे कई गुना ज्यादा अकेले लाओस में हुई। हालांकि गिरे बमों में से करीब 30% बम नहीं फटे। इसके बावजूद लड़ाई के 40 साल बाद भी यहाँ बमबारी की छाप देखी जा सकती है। लाओस गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बढ़िया सा कुछ होगा, लेकिन असल में गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए बदनाम है। लाओस के अलावा इसमें म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल है। ये दुनिया में अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लाओस के लोगों पर अफीम के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से 2006 में नशीले पौधों की खेती पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के गरीब किसान अपने रोजी रोटी के लिए चोरी चुपके इसका उत्पादन करते रहे। पर अब वहाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा नशे के प्रति जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। ऐसे में स्थिति थोड़ी सुधरती नजर आ रही है। दोस्तों, दुनिया में नाम मात्र के ही कम्युनिस्ट देश बचे हुए हैं, और अगर आप गिनती में बोले तो इनकी संख्या सिर्फ 5 है, जो है नॉर्थ कोरिया, चीन, क्यूबा, वियतनाम और लाओस। अगर आप चीन को छोड़कर देखें तो लगभग सभी कम्युनिस्ट देश पिछड़े हुए हैं। लाओस को हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों के पास कोस्ट लाइन है, सिर्फ लाओस के अलावा। ये साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश है। कोस्ट लाइन का होना व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से लाओस के आर्थिक विकास पर इसका तगड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि एक नई हाई स्पीड रेल लाइन बन रही है जो इसके विकास को रफ्तार पकड़ा सकती है। चीन लाओस के विकास में मदद कर रहा है, लेकिन चीन के नापाक मंसूबे से हर कोई वाकिफ है। हालांकि लाओस चीन की चाल को नहीं समझ पाया और उसने देखते ही देखते इसे कर्ज के जाल में फंसा लिया। दोस्तों, लाओस की 80% जनसंख्या खेती बाड़ी करती है। ये देश सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट करता है। साथ ही लाओस खनिज के मामले में काफी आगे है। इसके अलावा यहाँ नदियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी ये एक परफेक्ट देश है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अपार संभावना होने के कारण लाओस खुद दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी
कहता है। इसके अलावा ये देश लकड़ी, कपड़े, मक्का और रबर जैसी चीजों का भी एक्सपोर्ट करता है। लाओस मुख्य रूप से थाईलैंड, चीन और वियतनाम को ही ज्यादातर सामान एक्सपोर्ट करते हैं। मेकोंग नदी इस देश के लोगों के लिए वरदान की तरह है। इस नदी के रास्ते यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों का आना जाना होता है। फिर भी लाओस एक गरीब देश है। लाओस इतना ही अनाज तैयार करता है जितना वहाँ के लोगों की जरूरत होती है, यानी एक्सपोर्ट के लिए इसके पास अनाज नहीं बचता। मतलब ये जितना उगाते हैं उतना ही खा जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में आधुनिक मानव का सबसे पुराना अवशेष नॉर्थ लाओस के एनामाइट पर्वत में तामपा लिंग नाम के एक गुफा में मिला था। कहा जाता है कि ये 46,000 साल पुराना है। आपको शायद ही पता हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे लोगों की अगर लिस्ट तैयार करे तो लाओस का नंबर दूसरे पर आता है। यहाँ के लोगों की औसत हाइट 5 फीट 1 इंच है। यहाँ के लोग जितने छोटे हैं उतने ज्यादा युवा भी। एशिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन लाओस के पास है। यहाँ की 70% जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है। लाओस लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी फेमस है। लाओ संस्कृति में एक गांव में एक साल के दौरान कम से कम 12 फेस्टिवल्स होने चाहिए और इन फेस्टिवल्स में एक रॉकेट फेस्टिवल है जिसे बन बंग फई कहा जाता है। ये हर साल जून में आयोजित किया जाता है जिसका मकसद बारिश को बुलाना होता है। लाओस के नए साल को पाई माई कहा जाता है और ये बौद्ध कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह होली होती है लगभग उसी तरह का ये एक त्योहार है। हालांकि इसमें रंग न होकर केवल पानी होता है। मून कैलेंडर में 11वें महीने की पूर्णिमा के दिन लाओस में रोशनी का त्योहार अवाक फांस मनाया जाता है, यानी हमारे यहाँ का दिवाली। इसके अलावा लाओस में बौद्ध लैंट वार्षिक मनाते हैं। ये भिक्षुकों के चिंतन और मनन करने का समय होता है। इसमें हर सुबह भिक्षु नंगे पैरों के साथ लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं और चुपचाप सड़कों पर घूमते हुए लोगों से भिक्षा मांगते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बाद में ये भोजन गरीबों में, भिक्षुओं में तथा मंदिर के पालतू जानवरों में बांट दिया जाता है। ये एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। लाओस में अगस्त का महीना शाकाहारी महीना होता है। चलिए आप चर्चा करते हैं खाने के ऊपर। लाओस के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा स्टिकी राइस खाते हैं। आंकड़े के मुताबिक यहाँ सालाना 155 किलोग्राम तक का स्टिकी राइस खाया जाता है। लर्ब है यहाँ का नेशनल डिश। ड्रिंक्स के शौकीन लोगों के लिए भी लाओस आना अच्छा ऑप्शन है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बेहतरीन कॉफी लाओस में मिलती है। गाढ़े दूध के साथ यहाँ की कॉफी पीना आपको एक नए लेवल की तरोताजगी महसूस कराता है। दोस्तों, लाओस में घूमने के लिए कई शानदार जगह है। उनमें वाट सी मुआंग का बौद्ध मंदिर लाओस में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। ये राजधानी वियतनाम के मदर टेम्पल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लाओस अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लाओस की सबसे ऊंची जगह है फोबिया, लेकिन इसे टूरिस्ट के लिए नहीं खोला गया है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि यहाँ कई जिंदा बम अब भी पड़े हुए हैं, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए अच्छे से बनाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल खोन फोफेंग इसी देश में है। लाओस का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक फाकी लुआंग स्तूप है। यहाँ के लोग मानते हैं कि भारत से सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो बौद्ध भिक्षु विदेशों में भेजे गए, उन्हीं में से एक बौद्ध भिक्षु ने इस स्तूप का निर्माण कराया और इस स्तूप की ऊंचाई 147 फीट है और इस स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। दोस्तों, क्या आपको घने जंगल में जाकर नाइट सफारी करने का शौक है? हालांकि ये शौक की बात कम और हिम्मत की बात ज्यादा होती है। आपको बता दो कि लाओस में आपको बहुत सारे ऐसे घने जंगल मिल जाते हैं जहाँ पर लोकल लोग या टूरिस्ट मिलकर नाइट सफारी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस नाइट सफारी में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अलग ही लेवल का रोमांच मिलता है इस तरह के जंगल में जाकर। दोस्तों, लाओस में मेकोंग नदी के किनारे स्थापित शियोंग खुआन बुद्ध पार्क अपने आप में काफी खास है। वाटसी साकेत एक पुराना बौद्ध मठ है जहाँ पर अलग अलग मुद्राओं में भगवान बुद्ध के 10,000 से ज्यादा चित्र है। यहाँ एक मंदिर है जिसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, लाओस का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जो कि सबके लिए परफेक्ट है। ना ही यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और ना ही यहाँ पर बहुत ठंड। यहाँ पर जो भी आते हैं कम से कम यहाँ के मौसम को एंजॉय जरूर करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और लाओस में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। वैसे आपको लाओस का वीजा मिलने में 30 दिन तक का समय लग सकता है। लाओस के लिए हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, लेकिन कुछ
स्टॉप के साथ आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको लाओस घूमने के लिए 7-8 दिन में लगभग 20 से 40,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें फ्लाइट से आने का खर्चा शामिल नहीं है। लाओस में लाओसियन कीप करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश लाओस। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है लाओस? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।